बेटा आपके पापा का नाम क्या है? सिद्दीकी। ये पढ़ लेना, आता हूं मैं। ऐसा लग रहा है इनके साथ किसी ने जबरदस्ती। अरे नूर को आपने दूसरी औरत बना थी? आसमान ने ये भेजा है मेरे लिए। ये बच्चा मेरा और मुर्ख किस्म का है तो आपको किसने हक दिया? किसने हक दिया आप लोगों को कि इस बच्चे को रोके इस दुनिया में आने से? मुझे नहीं पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगे। चुप क्यों? तुम भी लेटर पढ़ा ना? अरे जानबूझ के नहीं किया शे। आसमा, एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने जो लिखा है क्या वो सच है? वो पूरा सच है। इसका मतलब मेरे घर वाले सही थे। ये बच्चा मेरा और तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा और मुर्तजिम का है। Oh,
आसमा बोलो, मैं सच सुनना चाहता हूँ, ये मुर्तजिम का बच्चा है ना? आसमा बोलो, जवाब दो मुझे। अरमान, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे हाथ में सबूत है, जवाब दो मुझे। किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? कैसा सबूत? तुम ऐसा कोर्ट में कैसे सकते हो अरमान? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये सही है। तुम्हें जो समझना तुम वो समझो। मैं अपने प्यार, अपनी लॉयल्टी की सफा तुम्हें अब और नहीं दूंगी। हर बार मैंने खुद को साबित किया है अरमान, अब और नहीं। कोई कितनी भी उंगली उठाए, मैं जानती हूं तुम अरमान हो, मेरा खून। और ये बात मुझे किसी को प्रूव नहीं करनी, अरमान को भी नहीं। इंसान को अपना पाप छुपाना होता है ना, तो भागना सबसे अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि अगर यहाँ रहती तो सवालों के जवाब देने पड़ते। मुझे इसलिए भाग गई, पेट में मुर्तजिम का बच्चा लेकर। चल मेरे साथ, ठंड लग जाएगी पुत्र। आप लोगों ने आसमा को गलत साबित करने का क्या ठेका लिया हुआ है? सीने में दिल जैसे बरसा। पुत्र यकीन नहीं होता ना तो वीडियो देख ले तू, सब कुछ है उस वीडियो में। ये बच्चा मेरा और मुर्तजिम का है तो आपको किसने हाथ दिया? सीने में दिल जैसे बरसा गया है।